नमस्कार, स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित स्वस्थ किसान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। दोस्तों, यदि बात करें शरीर की या इसे संभाल कर रखने वाली हड्डियों की समस्या की, तो आज की जीवन शैली ने शरीर पर एक और हमला किया है, वो है स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और आर्थराइटिस। लेकिन अक्सर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और अधिकतर लोग तो कुछ पेन किलर वगैरह से ही काम चला लेते हैं। बता दें आपको कि ये बेहद ख़तरनाक है। आपने भी कई बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वे घुटने और कमर के दर्द से परेशान हैं, जोड़ों का दर्द सताता है। आज हम अपने विशेषज्ञों से यही सब समझने की कोशिश करेंगे कि सुबह सोकर उठने पर शरीर के जोड़ क्यों अकड़ जाते हैं, घुटनों में लगातार और साथ ही पीठ में दर्द रहने का कारण क्या है। साथ ही ये भी समझेंगे कि किन कारणों से हो जाती है रीढ़ की टीबी। आज का विषय आप जान लें। आज का विषय, रीढ़ व अन्य हड्डियों में टीबी के कारण, लक्षण और निदान। तो ये आज का हमारा विषय है। अगर आपको भी चलने, खड़े होने, हिलने डुलने के दरमियान किसी तरह का दर्द होता है, समस्या होती है, पीठ में दर्द आप महसूस करते हैं, इससे परेशानी होती है और आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे दो टोल फ्री नंबर हैं, उन्हें आप नोट कर लें, जिस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। 1800-113-0060 दूसरा नंबर है, 1800-113-0061 दोनों टोल फ्री नंबर है, यानी इस पर आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में दो बड़े हड्डी रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए आपका उनसे हम तारुफ करवा दें, उनसे मुलाकात करवा दें। आप हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, आप वरिष्ठ ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं और भारत के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली में अस्थि रोग के विभाग अध्यक्ष हैं और ट्रॉमा सेंटर के प्रमुख भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मल्होत्रा आपका। और हमारे दूसरे एक्सपर्ट है प्रोफेसर डॉक्टर अजय शुक्ला, आप राम मनोहर लोहिया अस्पताल में अस्थि रोग के सर्जन और सीनियर कंसल्टेंट हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो बातचीत की शुरुआत करें और हड्डियों की हम बात करेंगे। आज हमने विषय रखा है हड्डियों की टीबी के बारे में भी, और हड्डियों से संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसे आप हम तक पहुँचा सकते हैं और लाइव उनके जवाब जान सकते हैं। और हड्डियों की पीड़ा पर आगे बढ़ने से पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। ये है हमारे शरीर की हड्डियाँ। ये हड्डियाँ कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन और मिनरल से बनी हुई है। इनमें से किसी भी पदार्थ की कमी हड्डियों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। खतरनाक इसलिए कि आधुनिकता की अंधी दौड़ और अनियमित जीवन शैली ने आज हमारे स्वास्थ्य को सीमित कर दिया है। जितनी तेजी से विज्ञान ने तरक्की की है, उतनी ही तेजी से कई तरह की बीमारियों ने हमारे शरीर पर कब्जा भी किया है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोग जहां इसी आधुनिक जीवन शैली की देन है, वहीं जोड़ों में दर्द होना भी आम बीमारी बनती जा रही है। बता दें, हड्डियों की कमजोरी के लिए वजन बढ़ने के अलावा शरीर में मिनरल्स, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी को भी जिम्मेदार माना जाता है। गौरतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे कभी बुढ़ापे की बीमारी माना जाता था, अब बदलते लाइफस्टाइल के कारण शहरों के साथ ग्रामीण तबके के लोग भी कम उम्र में ही इसके शिकार हो रहे हैं। सर्वाइकल, बैक पेन, जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी बेहद कम उम्र में सामने आने लगी है। गौरतलब है कि ज्यादातर लोग पीठ दर्द को जीवन शैली का हिस्सा मानकर अनदेखी कर देते हैं, लेकिन जब बीमारी बढ़ जाती है तब पता चलता है कि पीड़ित रीढ़ की टीबी का शिकार है। जी हाँ, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग, जिसे अधिकतर लोग आज भी मात्र फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी समझते हैं। बता दें, यह अधूरा सच है। असली सच तो यह है कि बाल और नाखून को छोड़कर टीबी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। गौरतलब है कि दिल्ली में प्रति 1,00,000 की जनसंख्या पर 250 लोग टीबी से प्रभावित हो जाते हैं, जिनमें से 3-4% बोन टीबी के शिकार होते हैं। हड्डियों की इस बीमारी से घुटना, टखना, कूल्हा तो प्रभावित होता ही है,
रीढ़ की हड्डी सबसे अधिक प्रभावित होती है। मेडिकल की भाषा में इसे पोर्ट्स स्वाइन कहते हैं। बता दें, यह बीमारी मायोबैक्टीरियम ट्यूबर क्यूले नामक कीटाणु की वजह से होता है, जो टीवी से ग्रस्त व्यक्ति के खून या सांस के जरिए शरीर में पहुंच जाता है और फिर टीवी का यह कीटाणु फेफड़े से खून के जरिए रीढ़ तक पहुंच जाता है और शरीर के कई अंगों को कमजोर करते हुए रीढ़ की हड्डियों पर भी जबरदस्त हमला कर देता है, जिसके कारण न केवल रीढ़ की हड्डी में झुकाव की समस्याएं पैदा हो सकती है बल्कि इस बीमारी को नजरअंदाज करने से उबड़ निकल सकता है, पोस्चर खराब हो सकता है, यहां तक कि लकवा भी मार सकता है। कमर में दर्द, बुखार, वजन का कम होना, कमजोरी या फिर उल्टी जैसी समस्याओं के अलावा रात में पसीना आना, भूख न लगना और हाथ पैरों में अकड़न महसूस होना इसके लक्षण कहे जा सकते हैं। यहाँ बता दें कि धूम्रपान से भी हड्डियों की नसों में खून की सप्लाई रुक जाती है और दर्द होने लगता है। इसे बर्जर डिजीज कहते हैं। उपचार न होने पर हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। विशेषज्ञों के अनुसार रीढ़ की हड्डी की टीवी के दूर होने में लगभग 12 से 18 महीने का वक्त लग सकता है। गौरतलब है कि जो लोग सही समय पर इलाज नहीं कराते या इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, उनकी रीढ़ गल सकती है, जिससे अस्थाई अपंगता आ सकती है। इसलिए हमारी माने तो हड्डियों के दर्द को हल्के में न लें और न ही रीढ़ के बीच वाले हिस्से में होने वाले दर्द को अनदेखा करें। रोजाना व्यायाम करें, सुबह झटके से न उठें, सुबह शरीर के हर अंग को धीरे धीरे मूवमेंट दें ताकि शरीर की जोड़ गतिमान हो जाए। यही चाहते हैं कि आपके जिस्म में कोई तनाव ना हो, शरीर स्वस्थ रहे, खुद पर गुमान हो और समय से पहले हड्डियों में जान गम ना हो। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो ये थी एक सटीक जानकारी उस जागरूकता की, ताकि आपकी हड्डियों में जान बची रहे। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर मल्होत्रा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सारी बातें हमने रिपोर्ट में बताई और आम तौर पर जो लोगों की समस्या हम सुनते हैं वो यही होता है कि गर्दन में दर्द हो रहा है या फिर कंधे का दर्द, कई बार हम कहते कंधे अकड़ गए हैं, टांगों में दर्द, यानी शरीर के अलग अलग अंगों में दर्द महसूस, जोड़ों में खास तौर पर दर्द महसूस होना। इन दर्दों को हम किस तरीके समझें, क्या ये आम है या फिर ये गंभीर समस्या की ओर इशारा भी हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। पूरे शरीर में दर्द जो है वो मांसपेशी और हड्डियों की वजह से हो सकती है, लेकिन किसी दूसरी ऐसी बीमारी से भी हो सकती है जो पूरे शरीर को प्रभावित करे, जैसे कि डायबिटीज़ के रोगी, अगर उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है या डायग्नोज नहीं हुई है, उनके भी शरीर में, पूरे शरीर में दर्दें हो सकती हैं। थायराइड के रोगियों में ऐसा हो सकता है, गठिया के रोगियों में हो सकता है, पर गठिया में गांठों में दर्द होता है, मोस्टली जॉइंट में दर्द होता है। और सुबह उठ के जो स्टिफनेस की आपने बात की, वो स्टिफनेस जो है एक घंटे तक अगर रहती है सुबह सो के उठने के बाद, तो वो इस बात के लिए इशारा करती है कि इस व्यक्ति को गठिया है या रोग, गठिया का रोग है। विटामिन डी की कमी से भी ऐसा हो जाता है, लेकिन किसान भाई अगर धूप में काम करते हैं और बाहर काफी देर रहते हैं तो उससे इसकी कमी होने की थोड़ी संभावना कम है। जी जी, डॉक्टर शुक्ला, आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि विटामिन डी की बात अभी की है डॉक्टर मल्होत्रा ने, यानी उससे हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं हड्डियों के कमज़ोर होने की? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इस बात को भी नहीं समझ पाते कि दरअसल ये जोड़ों का, हड्डियों का दर्द है या फिर मांसपेशियों का दर्द है, क्योंकि कई बार खिंचाव महसूस होता है, स्टिफनेस महसूस होती है, तो हम समझ नहीं पाते कि हड्डी का दर्द है या दरअसल मांसपेशियों का है। जहाँ तक आपने पूछा है कि हड्डियाँ हाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो वो कैसे पता चल सकता है? असल में प्रॉब्लम ये है, दुविधा ये है कि जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं वो पहले से पता चलना बहुत मुश्किल है। यूजुअली होता क्या है कि हड्डियाँ आपको तब जाके पता चलती हैं कि कमज़ोर हैं जब आपकी हड्डी टूट जाती है। तो इसलिए आदमी को पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए। उसको अगर लगे कि उसका खान पान ठीक नहीं है, उसका ढांचा ठीक नहीं, उसको और बीमारियां हैं, बहुत लंबे पीरियड तक बिस्तर में पड़ा रहा, या फिर उसकी एक उम्र से ज़्यादा उम्र हो गई, ख़ास तौर से लेडीज़ में मेनोपॉज के बाद, एंड आदमियों में जो है
65-70 की एज के बाद जो है ना, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी हड्डियां हो सकता कमज़ोर हों, और हड्डियां कमज़ोर हैं तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, और जब डॉक्टर के पास जाएंगे वो टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर उन टेस्ट से पता चलता है कि हड्डियां कमजोर हैं। नागेंद्र नेगी एक हमारे कॉलर जो कि आज के स्वस्थ किसान के पहले कॉलर है, ये बात कर लेते हैं। जी नेगी साहब बताइए क्या समस्या है। हेलो नागेंद्र जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो नागेंद्र जी क्या तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ आ रही है मैडम जी। हाँ जी बताइए क्या समस्या है। हाँ मैडम मेरी जानकारी में ये जानना चाहता था कि जो कहते हैं कि टीबी के कीटाणु जो हैं वो हर व्यक्ति के अंदर होते हैं और हर दूसरा व्यक्ति जो है इससे ग्रसित रहता है, हिमाचल प्रदेश में स्थिति और ज्यादा बदतर है जी, तो ये मतलब इससे बचा कैसे जा सकता है? आप जैसे बता रहे हैं ना डॉक्टर साहब की नाखून से लेकर के बाल तक को ही बचाया जा बच सकते हैं, बाकी पूरे शरीर में कहीं भी कोई टीबी हो सकती जी, है जी, जी, जो जिसकी वजह से कमजोरी होती है या दूसरी तरह के रोग पनपते हैं, तो इस टीबी के कीटाणुओं से बचने के लिए हमारे पास क्या जी, है नागेंद्र जी बहुत अच्छी बात है, आप बहुत जागरूक हमारे दर्शक समझ आ रहे हैं और आप इतनी गहराई से सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। स्थिति बहुत बदतर है मैडम जी टीबी की। ठीक है और हम आशा करेंगे कि जो जवाब होंगे इससे अन्य जो हमारे दर्शक है उन्हें भी फायदा होगा। तो डॉक्टर मल्होत्रा जैसे इनका ये कहना इनका इन्होंने ये कहा कि हर व्यक्ति में होते हैं टीबी के कीटाणु, बहुत सही बात है। WHO के मुताबिक या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हर तीसरे आदमी में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया तो है ही है पूरी दुनिया में, तो हम लोगों के यहाँ इतना कॉमन है कि जब बच्चा पैदा ही होता है तो बहुत जल्दी पहले कुछ महीनों में ही टीबी के कीटाणु उसके शरीर में चले जाते हैं और लंग्स में जाके और फेफड़ों में बैठ के एक बार बीमारी कर देते हैं, उसके बाद किसी तरह से हमारी बॉडी जो है उसे कंट्रोल कर लेती है, लेकिन वो एक तरह से जैसे एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है या वोल्केनो होता है जो साइलेंट होता है, तो वो अंदर रहता है। जब भी हमारे शरीर में हमारे जो रेजिस्टेंस है इम्यूनिटी है वो कंप्रोमाइज हो जाए, जैसे डायबिटीज हो जाए या आजकल जो HIV के पेशेंट्स में टीबी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है, कैंसर हो जाए, ओल्ड एज अपने आप में एक ऐसी एज है जिसके अंदर बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो जब भी आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम होगी उस समय ये निकल सकता है। तो जब इनका कहना है बचाव का, तो बचाव के लिए ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके से बचे, अगर धूप वाला एरिया है, अगर अच्छा हवादार माहौल में रहेंगे तो संभावना कम है। भीड़ भाड़ में जैसे कई लोग एकदम चौल में रहते हैं, बहुत सारी फैमिलीज इकट्ठी रहती है, धूप नहीं पहुंचती है, रहन सहन जो ठीक नहीं है, तो उनमें होने की संभावना ज्यादा रहती है जी। तो ये कह रहे हैं कि बचे कैसे हैं, इनका सवाल दरअसल ये था, इन्होंने अपनी आशंकाएं बताई और जानना ये चाह रहे थे क्योंकि इन्होंने कहा, इनका कहना है कि हिमाचल में बच तो सकते ही नहीं है। क्या प्रिकॉशंस ले, क्या सावधानी? प्रिकॉशन मैंने बताया कि अपना स्वास्थ्य और खान पान सही रखें, अपना अगर आप शरीर को रोगों से दूर रखेंगे, स्वस्थ शरीर रखेंगे, तो टीबी के कीटाणु जो आपके शरीर में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं वो आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। जी जी, तो ये जो जीवन शैली है उसको बेहतर रखें, स्वस्थ रहें, यही सबसे बड़ा हर बीमारी के लिए यही कहा जाता है कि आप स्वस्थ रहें, अपने आप को फिट रखें। और डॉक्टर साहब क्योंकि हम हड्डियों की बात कर रहे हैं और जोड़ों की बात की हमने, किस किस तरह के दर्द हो सकते हैं, एक और सुनने को मिलता है रूमेटिक बीमारी होती है जिसमें एक बैक्टीरिया बॉडी में जाते हैं तो गला खराब करते हैं या स्किन में इन्फेक्शन करते हैं, उसके बाद हमारे हृदय पे प्रहार करते हैं, आघात करते हैं, और उसके साथ ही जोड़ों का दर्द भी हो जाता है। वो ज्यादा सीरियस नहीं होता है, वो उसको फ्लीटिंग आर्थराइटिस बोलते हैं, कभी एक जॉइंट में हुआ, एक दिन रहा, फिर वहां से हट गया, दूसरे में चला गया। जिस ज्यादा सीरियस चीज है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि ज्यादातर स्त्रियों में होता है, यंग एज में होता है, दोनों तरफ होता है और हाथ के जोड़ों से प्रायः शुरू होता है, और उसमें सुबह सो के उठ के अगर आपके जो दोनों हाथ हैं उनके जोड़ सूज गए हैं, अकड़ गए हैं, आपको उनको हिलाने डाने में मुश्किल हो रही है, और जब तक आप उठ के एक घंटे तक चलते फिरते नहीं हैं, आपके जॉइंट खुलते नहीं हैं, तो इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये बाद में जाके आपकी गर्दन के किसी हिस्से को इन्वॉल्व कर सकता है, आपके कूल्हे और घुटनों को इन्वॉल्व कर सकता है, उनको डैमेज कर सकता है, तो उसको अगर जल्दी ही डायग्नोसिस करके इलाज नहीं किया जाए तो वो शरीर के जोड़ों को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। जी हेमराज एक दर्शक होशंगाबाद से मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी हेमराज जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम,
जी नमस्कार, मैं हेमराज बकोरिया बात कर रहा हूँ। जी जी बताएं, सवाल बताएं। जी मेरे दोनों घुटनों में दर्द होता है और जब हम उठ बैठते हैं तो कट कट की आवाज आती है। और दूसरा मेरा प्रश्न है कि डॉक्टर साहब 17 साल पहले, हेलो, हाँ जी अपनी बात पूरी कीजिए, हम सुन रहे हैं आपको। जी 17 साल पहले मुझे कुछ हड्डियों में प्रॉब्लम हुई थी जिसके कारण मेरे दोनों फूले के जो जोड़ हैं वो पूरी तरह मतलब खराब हो चुके थे। तो डॉक्टर साहब को हमने दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपका जॉइंट रिप्लेसमेंट होगा, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जी तो उस बीमारी से मेरे जोड़ तो वो चले गए, लेकिन जो घुटने के जोड़ बचे हुए हैं वो उसमें कटकट की आवाज आती है। और साथ में मेरी जो गर्दन का जोड़ है मैडम जी, वो भी चला गया है, गर्दन मेरी इधर से उधर भी नहीं होती है, वो टाइट हो चुकी है। जी अच्छा, आपकी उम्र कितनी है हेमराज जी? अभी 33 है मैडम। 33 कितनी है? 33 years. जी 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 बताइए, इनका जो कहना है कि घुटनों में उठते बैठते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है और पुरानी अपनी इन्होंने हिस्ट्री भी बताई। जी जी 33 साल की आयु है, दोनों कुलों में बताया था कि तकलीफ है, घुटनों में भी दर्द होती है, कट कट होती है, तो गठिया को तो दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का जो मैंने जैसे अभी बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्त्रियों में ज़्यादा कॉमन होता है, पुरुषों में ज़्यादा कॉमन नहीं होता है। दोनों कूले खराब होने के कई कारण हो सकते हैं। मैं सोच सकता हूँ कि 33 साल उम्र और 17 साल पहले शराब तो नहीं पीते होंगे, लेकिन शराब पीने से कूले अक्सर दोनों खराब हो जाते हैं, या किसी वजह से स्टीरॉयड दिए जाए अगर तो उसमें दोनों कूले खराब हो जाते हैं, आर्थराइटिस से खराब हो जाते हैं। तो इनके लिए एक तो ये जानना ज़रूरी है कि इनको सुबह उठ के अकड़न होती है कि नहीं होती, क्योंकि आर्थराइटिस इसमें ज़रूर देखना पड़ेगा। और दूसरे इनके घुटनों में आवाज़ आती है, उससे जाहिर है कि घुटने डैमेज हो रहे हैं, तो इसमें इनको दो काम करने होंगे, एक तो एक्सरे करवा के किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, और दूसरे ऐसी चीज़ें ऐसी गतिविधियां ना करें जिनसे कि घुटनों में तकलीफ बढ़ती है, जैसे कि उकड़ू बैठना, ज़मीन पे बैठना, आलती पालती मारना, सीढ़ी चढ़ना, ढलान पे चलना, बहुत ज़्यादा देर तक एक पोजीशन में बैठे रहना, कार में बहुत दूर तक सफ़र करना, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग करना, इस तरह की चीज़ें, बहुत ज़्यादा साइकिल चलाना, इनको अवॉइड करना चाहिए। जी 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 डॉक्टर साहब, जैसे कि हम आज टीबी की बात कर रहे हैं तो अक्सर होता ही है कि आमतौर पर लोग जब टीबी के बारे में सोचते हैं तो इसे हम फेफड़ों से जुड़ी हुई समस्या समझते हैं, टीबी मतलब फेफड़ों की समस्या। लेकिन जैसे कि आज का हमारा विषय है कि रीढ़ की हड्डियों में भी टीबी हो सकता है, और शरीर में सिर्फ आपका नाखून और बाल, इसमें टीबी नहीं हो सकता, और किसी भी अंग में टीबी हो सकता है, तो हमें ये समझाएं कि रीढ़ की हड्डियों में किस तरह का टीबी होगा और इसके किस तरह के संकेत हो सकते हैं, हमारे दर्शक इसको लेकर कैसे जागरूक रहें। जी जी आपकी बात सही है, असल में जो 100 में से 85 लोगों को फेफड़े की ही टीबी होती है और बाकी जो 15 लोग हैं 100 में से उनको शरीर के दूसरे हिस्से की टीबी हो सकती है, और उसमें करीबन 2 से 3 लोगों में हड्डी की टीबी हो सकती है जी। और हड्डी की टीबी भी ऑलमोस्ट 50% लोगों में रीढ़ की हड्डी की टीबी होती है। तो जो हड्डी की टीबी है वो फेफड़ों की टीबी से काफ़ी फ़र्क इसलिए है कि हड्डी की टीबी में कॉमनली वो सारे सिम्टम्स नहीं होते हैं जो कि फेफड़े के टीबी में पाए जाते हैं, जैसे आदमी खांस रहा है, मुंह से खून आ रहा है, जो हम लोग टीबी से एसोसिएट करते हैं, बुखार हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, भूख नहीं लग रही, ये चीज़ें हो सकती हैं बोन के टीबी में, बट कम पाई जाती है। बोन के टीबी में क्या ज़रूरी है कि अगर आपको जैसे दर्द हो रहा है और रीढ़ की हड्डी में खासतौर से अगर दर्द हो रहा है, धीरे धीरे वो दर्द बढ़ता जाता है, एंड खास तौर से अगर आप लेटते हैं तब भी दर्द बना रहता है, आप सो रहे हैं तो दर्द ज़्यादा हो जाता है, तो आपको फिर इसका जो है एक सस्पिशन रखना चाहिए। इस टाइप के सिम्टम्स हो और चीज़ें हो तो अच्छा है, तो मतलब आपको और ज़्यादा आइडिया हो सकता है कि टीबी है, बट बिना उन सिम्टम्स के भी केवल दर्द के इस पैटर्न से आपको टीबी जो है रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। जी एक कॉलर है अतुल ने, जिन्होंने मध्य प्रदेश से कॉल किया है, आइए बात कर लेते हैं अतुल जी से। हेलो
हाँ मैडम नमस्कार जी। नमस्कार अतुल जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका। मैडम मेरी ये है कि हमारी जो दादी को टीबी है तो उसमें क्या 65 वर्ष की उम्र हो गई है और वो जो उनको उनके उससे उनके लड़के को ही फैल गई है तो उनके लिए कोई कुछ बचाव है क्या कि मछली खा सकते हैं? कोई बोलता है मछली खाएंगे या कोई बकरा बोलता है बकरे के टॉयलेट पियो तो उससे बच जाएंगे आप, तो ऐसा कुछ है क्या इसका कोई समाधान मैडम? एक से एक फैलते आ रही मैडम। ठीक है ठीक है अतुल जी, आपकी समस्या को हमने सुन लिया। इस तरह की जो बातें हैं वो मिथ्या है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ऐसी कोई चीज लेने से आप बच सकते हैं। अगर किसी को घर में टीबी है, खास करके कि अगर फेफड़े की टीबी है जिसमें कि बलगम निकल रही है, तो उन लोगों से सेपरेशन या आइसोलेशन करना ही उससे बचाव है। उनको अलग कमरे में रखें, उनकी सब चीजें अलग रखें और उसी से बचाव हो सकता है। हड्डी की टीबी जिस तरह से इन्फेक्टिव नहीं होती है, ज्यादातर तो हड्डी की टीबी भी फेफड़ों से आती है, लेकिन वो आपके जिसको हम यूरोजेनिटल ट्रैक्ट कहते हैं कि यूरिन के और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो रास्ता है, जो आपके प्रजनन अंग है, वहाँ की टीबी से भी आ सकता है। लेकिन खास बात यह है कि उसमें ऐसा हो सकता है कि छाती में बिल्कुल आपको कोई ऐसी टीबी ना दिखे और हड्डियों की टीबी या स्पाइन की टीबी हो जाए। फेफड़े की टीबी ही एक ऐसी टीबी है जिसमें आपको बचने के लिए रोगी को अलग करना पड़ेगा और वो भी दवा शुरू करने के 2 हफ्ते से भी कम समय में वो नॉन इन्फेक्टिव हो जाते हैं। अगर दवा शुरू हो चुकी है तो आपको कोई चिंता करने की बात जी जी। और जो इससे कुछ बातें कहे थे कि मछली खाने से बच सकते हैं, ये सब बिल्कुल कुछ इसमें कोई सच्चाई नहीं है जी। डॉक्टर साहब, और हमें ये भी बताएं कि हड्डियों की टीबी की आप बात कर रहे हैं तो ये इन्फेक्शन किस तरीके से होता है? आपने बताया कि ये उस तरीके से फैलता नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन शरीर में खुद हड्डियों तक पहुंचता है, तो इसके पीछे और क्या? क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी देखा कि अगर आपको फेफड़े की टीबी है तो उसका असर रीढ़ की हड्डी तक पहुँच जाता है। तो ऐसा रहता है कि जो इन्फेक्शन है वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं होती है तब हड्डियों पे पहुंचती है। हड्डियों में सीधे टीबी की इन्फेक्शन नहीं हो सकती और जाहिर है कि वो रक्त के थ्रू या ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू पहुंचती है। जब वहां एक बार वो पहुंच जाती है और अपना अड्डा बना लेती है तो हड्डियों में एक बड़ी समस्या ये होती है कि एक तरह से वो इन्फेक्शन किले के अंदर है, क्योंकि चारों तरफ आपके कैल्शियम और आपने सुना कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट से हड्डी बनी होती है और ब्लड सप्लाई बड़ी कम होती है, तो वहां पे जो हम दवाइयां या एंटीबायोटिक या हमारे अपने शरीर के भी जो संरक्षण करने के जो साधन है वो वहां नहीं पहुंच पाते। जी जी। हमारी सेल्स नहीं पहुंच पाती तो इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। इसलिए जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि फेफड़े की टीबी और हड्डियों की टीबी बहुत अलग है। फेफड़े की टीबी में आप 4 से 6 महीने दवा देते तो इन्फेक्शन पूरी खत्म हो जाती है। हड्डियों में समय बहुत लग जाता है क्योंकि वो एक तरह से जाके वहां पे छुप जाती है और इजीली अपने आप को वो एक्सपोज नहीं करती, अपने आप को बचा लेती है और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के सारे नियम फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि क्यों जो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के नियम फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है और बहुत सारी समस्याओं के समाधान धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। रीढ़ की हड्डियों की हम बात कर रहे हैं, इसकी टीबी की बात कर रहे हैं, इस पर और हम विस्तार से जानकारी लेंगे और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर हम साथ ही साथ फ्लैश कर रहे हैं, फोन करें और अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं। फिलहाल वक्त है स्वस्थ किसान में छोटे से ब्रेक का। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हम दर्द होते हैं हम, और पूछते हैं आपसे कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10 बजे डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय आपको एक बार फिर से बता दें, आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी में टीबी की और साथ ही हड्डियों संबंधी जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको जानकारी दे रहे हैं। आपकी की कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर हम साथ ही साथ फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें फ़ोन करें और अपनी बातें हम तक पहुँचाएं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले क्योंकि हम रीढ़ की हड्डी की बात कर रहे थे और आपने भी बताया कि कैसे फेफड़ों से इन्फेक्शन जो है आपकी रीढ़ तक पहुँच सकता है, इससे क्योंकि हम जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो है वो कितनी संवेदनशील होती है और इसमें खराबी आ जाने से ही बात सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, क्या इसका नर्वस सिस्टम पर भी किसी तरह का विपरीत असर पड़ता है? जी जी, असल में रीढ़ की हड्डी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे शरीर को तो सीधा रखती है बट साथ में जो दिमाग से जितने भी सब अटैच रहते हैं जो सारे अंग जो है वो रीढ़ के हड्डी के थ्रू उसके जो
तमाम फाइबर्स जाते हैं जो अलग अलग जाते हैं मांसपेशियों को, और वो उनको कंट्रोल करते हैं, तो वो रीढ़ के हड्डी के थ्रू पास करते हैं। इसलिए अगर रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आती है, टीबी आती है, तो वो नसें जो हैं वो भी डैमेज हो सकती हैं, उन पर दबाव पड़ सकता है, परमानेंटली भी डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से आदमी पैरलाइज हो सकता है। और वो कितना पैरलाइज होगा वो डिपेंड करेगा कि वो डैमेज रीढ़ की हड्डी में ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। जी जी। अगर ऊपर की तरफ डैमेज है तो उसके हाथ पैर सब डैमेज हो जाते हैं, सब पैरलाइज हो सकते हैं, एंड टट्टी पेशाब बंद हो सकती है, इवन जो है उसका सांस का लेना भी प्रभावित हो सकता है। जी जी जी। बट जितना जितना नीचे की तरफ उसका असर होता है उतना ही शरीर के नीचे कैसे, यानी कि अगर नीचे कमर की तरफ अगर टीबी है तो केवल टांगों में या टट्टी पेशाब में दिक्कत आएगी। जी जी। वंदना है एक दर्शक उत्तर प्रदेश से, आइए बात करते हैं। हेलो वंदना जी, बताइए क्या बात है। हेलो जी, मैम नमस्ते, मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैम मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर साहब से कि मुझे सुबह उठते हैं जब तो पीठ में बीच में, हालांकि हड्डी में नहीं, आसपास थोड़ा उसी से लगे हुए तो दर्द काफी होता है, थोड़ी जकड़न रहती है तो, और सुबह हल्का बुखार सा भी रहता है। फिर एक दो घंटे दो तीन घंटे काम करने के बाद पैरों में काफी दर्द हो जाता है, मांसपेशियों में, पंजों में, पेड़ी में। तो मैम मैंने यूरिक एसिड का जांच करवाया था, उसमें 7.09 रिजल्ट आया था, तो क्या करें, थायराइड का जांच भी नहीं कराया, डॉक्टर क्या बताना चाहेंगे? हाँ, तो ये अगर आपको ऐसा दर्द, देखिए खास बात ये है कि कमर का दर्द जो है वो इंसान को होने वाली दूसरी सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है जुकाम के बाद। मेरा अगला सवाल यही था आपसे। तो इतना कॉमन है कमर दर्द कि हमें ये जानना चाहिए कि रेड फ्लैग साइन या कौन से डेंजरस साइन है या ऐसे सिग्नल है जिनसे हमें ये पता लग जाए कि ये कॉमन बैक पेन नहीं है। एक तो कमर का दर्द जो 6 सप्ताह से ज्यादा से चल रहा है, कमर का दर्द जो टांगों में जाता है, कमर का दर्द जिसके साथ में बुखार होता है, भूख मर जाती है, कमर का दर्द जिसके साथ दूसरे जोड़ों में दर्द होता है, तो जैसे ये कह रही है कि इनको बुखार आता है, इनका हीमोग्लोबिन कम है और इनको कमर में दर्द रहता है जो, और सुबह उठ के 1-2 घंटे बहुत ज्यादा रहता है, तो टीबी और गठिया ये दो चीजों के लिए इनकी जरूर जांच होनी चाहिए। और सबसे पहले इनके जो है एक्सरे कमर के जरूर होने चाहिए क्योंकि इन्हें दर्द है। एक बात मैं बताना चाहूंगा, हम लोग अक्सर ESR टेस्ट करते हैं जो कि स्पेसिफिक तो नहीं है टीबी के लिए, लेकिन किसी भी इंफेक्शन में वो बढ़ सकता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन सिर्फ 7 ग्राम है तो आपका ESR थोड़ा वैसे भी हाई आएगा, उसको ना उसके बारे में चिंतित ना हो, डॉक्टर से कहें कि वो आपको पूरी तरह से एग्जामिन करके आपके एक्सरे देख के और ये डिसाइड करे कि आप गठिया या टीबी से प्रभावित तो नहीं। जी जी। और तो इन्हें डॉक्टर के पास जरूर एक बार जाना चाहिए, इसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आप बताया भी आपने कि इनको बुखार भी आता है तो ये एक संकेत है। डॉक्टर साहब मैं वही कमर दर्द की बात करना चाहती हूँ क्योंकि अक्सर ये होता है, आपने भी बताया कि जो शरीर में दर्दों में ये सबसे कॉमन है, सबसे आम है कि कमर दर्द होना, और ऐसे में होता यही है कि हम कई बार सिकाई करवाते हैं, कभी दबवा लेते हैं या फिर पेन किलर ले ली या फिर किसी तरह का बाम लगा लिया, तो क्या ये वाकई में बहुत ही आम तरह का दर्द है या फिर इसे भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए? देखिए ऐसा है कि जब इंसान चौपाए से 2 पाया हुआ था तब उसके साथ ही गिफ्ट में या एक तरह से भेंट में कमर दर्द आया था। जी। अगर हम आज भी 4 पाए पे चल रहे होते तो हमें कोई दर्द नहीं होता, तो जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारे शरीर का पूरा वजन हमारी बैक से होता हुआ चूल्हे से कूले से जाते जमीन पे जाता है, तो हमारा जो कमर का निचला हिस्सा है उस पर बहुत लोड पड़ता है, और वो लोड सबसे ज्यादा पड़ता है जब हम बैठते हैं, उस पर तब भी लोड पड़ता है जब हम आगे झुक के भारी वजन उठाते हैं। तो हम लोग अपनी कमर का इस्तेमाल जिस तरह से आपने कई बार देखा होगा प्रोग्राम में दिखाते हैं कि स्प्रिंग की तरह करते हैं या उसको अब्यूज करते हैं, उसको हम छोटी छोटी चीजें ऐसी कर सकते हैं जिससे हमें अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में उस पर जोर नहीं पड़े, जैसे कि जमीन से कोई चीज उठानी है तो घुटना मोड़ के उठा ली जाए, कोई भारी चीज है तो उसको शरीर के पास रखा जाए, उसको नीचे से कोई चीज बहुत उठाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रेन पड़ेगा, अगर कोई चीज वही आपको स्टूल पे उठा के या टेबल पे उठा के रख दे तो आप वहां से लेके जाएंगे तो तकलीफ कम होगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे अभी आपने उसमें भी दिखाया कैप्सूल में भी, हेल्थ कैप्सूल में, कि जब आप उठते हैं तो एकदम सीधे उठते हैं तो आपकी कमर पे जोर पड़ता है, करवट लेके उठते हैं तो आपको तकलीफ कम होती है, तो इसका ध्यान रखें। खास बात यह है कि वो दर्द जो कभी होता है कभी ठीक हो जाता है और बहुत समय से है
जब रोगी ये बताता है कि जी 10 साल से कमर दर्द है, तो हम पूछते हैं कभी बीच में ठीक हो जाता है, बोलते हैं जी ठीक भी हो जाता है, वो सीरियस नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है, टीबी हो गई है, कुछ भी है, वो दर्द लगातार बढ़ता जाएगा, ठीक नहीं होगा, कभी ठीक हो गया कभी बढ़ गया, ऐसा नहीं। जी ठीक है, एक कॉलर है विजय है जिन्होंने कोटा से कॉल किया है राजस्थान से। जी विजय जी बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी मैडम मेरा प्रश्न ये है जी कि मैं सुबह जो उठता हूँ ना, हेलो, हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको, अब बात बताइए। सुबह जो उठता हूँ तो मेरे पाँव में दर्द रहता है, तो फिर अपन थोड़े बहुत चलते हैं जिसके बाद में कम होता है वो। ठीक है, बस यही समस्या है या कुछ और भी बताना चाह रहे हैं आप? और कुछ और समस्या है कि ये 8-5 दिन में सिर दर्द होता रहता है। जी डॉक्टर शुक्ला क्या कहेंगे आप? ये एडी में दर्द होता है क्या? एडी में दर्द होता है आपको? जी एडी में दर्द होता है। हाँ एडी में भी दर्द होता है, एक साइड में, एक साइड में। इनका वजन ज्यादा तो नहीं? वजन कितना है आपका विजय जी? जी वजन कितना है आपका? मेरा वजन है 62 किलो। और हाइट कितनी है जी? ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है मेरी 6 फुट। चलो वजन तो ज्यादा नहीं हाइट के हिसाब से, बट ये चीज जो है काफी कॉमन है जब आदमी जो है 40-50 साल से ज्यादा की उम्र का हो जाता है, तो कई दफ़े तो हो सकता है कि यूरिक एसिड लेवल्स बढ़े हों उसकी वजह से हो रहा हो, कई दफ़े तो वो इसलिए भी कॉमन हो जाता है कि मांसपेशियों का लचीलापन कम हो जाता है, तो एडी पे जहाँ पे लिगमेंट्स वगैरह अटैच्ड होते हैं तो वहाँ पे सूजन हो जाती है जिसकी वजह से इस टाइप की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज वगैरह का बहुत ज़्यादा अच्छा रोल है, वो करें। अगर इनके जूते बहुत कंफर्टेबल नहीं तो थोड़े स्पोर्ट शूज़ या ऐसे जूते पहने जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल हों, और कभी अगर तकलीफ जैसे ख़ास तौर से ये तकलीफ सुबह ही ज़्यादा होती है तो सुबह उठ के थोड़ा तसलों में थोड़ा गुनगुना पानी करके सिकाई वगैरह कर ली, फिर दिनचर्या शुरू की तो उससे भी काफ़ी आराम रहता है। जी, जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जीवन शैली से जुड़ी हुई जो बात है, बहुत से हमारे किसान भाई या कई लोग जो है नंगे पांव काम करते हैं। जी, जी, जी। तो नंगे पांव काम करने से, खेतों में नंगे पांव जाने से या सख्त जमीन पे नंगे पांव चलने से भी ये समस्या हो सकती है, तो जहां तक संभव हो नंगे पांव ना चले, और पैर में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल सॉफ्ट कोई ऐसा नर्म चप्पल पहने ताकि वो हार्ड जगह पे आपकी एड़ी नहीं रहे, और वजन जैसे पूछा बहुत जरूरी है, अगर आपका वजन ज्यादा है, ज्यादा देर खड़े रहते हैं, हार्ड जगह पे चलते हैं, गलत जूता पहनते हैं, तो ये सब हो जाता है। जी जी बिल्कुल, और दर्शकों को हम यही कहेंगे अगर आपके भी कोई प्रश्न है, आज के विषय से जुड़े हुए कोई समस्या है तो आप बिल्कुल सोचे नहीं, हमें फ़ोन लगाएं और अपनी बात हम तक पहुंचाएं। डॉक्टर मल्होत्रा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार हम स्लिप डिस्क की भी समस्या सुनते हैं, तो ये बहुत गंभीर भी हो जाती है, हमने देखा है कि लोगों की का पूरा जीवन इसकी वजह से ख़राब हो जाता है, तो आप ये इससे कैसे समझें और इसका खतरा कैसे होता है, इसको जानना कैसे हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है? ऐसा है कि रीढ़ की हड्डी में जो हमारे जो सेगमेंट या मनके होते हैं उनके बीच में ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह से काम करती है, तो ये जो डिस्क है ये एक तरह से जो कोई झटका लगता है उसको एब्जॉर्ब करती है, तो कभी आपने अगर अचानक ऐसा उस पर स्ट्रेन पड़ गया कि उसकी जिस तरह से अगर आप समझ लें कि उसकी उसमें एक टियर आ जाता है, वो फट जाती है वो झिल्ली उसकी और वो डिस्क बाहर निकल आती है, तो जब वो बाहर निकलती है तो उसके आसपास नर्व्स होती है और उनको वो प्रेस करती है जिसकी वजह से आपको शियाटिका जैसा पेन, पूरी टांग में तेज दर्द हो जाता है, कमर एकदम आप हिलाना नहीं चाहते क्योंकि हिलते ही आपकी तकलीफ बहुत बढ़ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, कमर एकदम सीधी हो जाती है, तो ज्यादातर ये झटके से कोई भारी वजन उठाने से अचानक हो सकती है, आप ब्रश कर रहे हैं अचानक आपको उबकाई आई और बहुत जोर से, उससे हो सकता है, और जो भी ऐसा कोई ऐसा आप काम करते हैं जैसे मैंने कहा कि वियर एंड टियर जिसमें स्पाइन में ज्यादा होता है, जैसे कि आप बहुत भारी वजन उठाने का काम है आपका या झुक के बैठ के काम करने का है, सामान इधर से उधर शिफ्ट करने का है, तो आपको उसका रिस्क है। जब ये स्लिप डिस्क हो जाता है तो उस समय तो कंप्लीट उस समय आपको बेड रेस्ट करना है, क्योंकि पहले अटैक में ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 90-95% रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं, तो इसलिए हमें जल्दी नहीं रहती है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगे कि तकलीफ बढ़ती जा रही है, किसी तरह से दर्द में आराम नहीं आ रहा, नसों पे प्रेशर हो गया है या आपको अपना यूरिन का या लैट्रिन का पता नहीं लग रहा है, तो तुरंत उसके लिए फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। जी जी
तो शुक्ला साहब ये बताएं कि क्या ये जो समस्या बताई हमने स्लिप डिस्क की, ये ख़ास तौर पर उम्र के साथ होती है ज़्यादा, कि उम्र ज़्यादा हो गई तो उसके बाद क्योंकि और भी तरह की समस्याएं शुरू हो जाती हैं शरीर में, वो ताकत नहीं रह जाती, वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती, तो क्या ये उम्र स्पेसिफिक भी है कि जो उम्र बढ़ने के साथ स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है या फिर किसी भी एज में हो सकती है? स्लिप डिस्क हो तो किसी भी एज में सकती है, बट कॉमनली तो जैसे 20-25 साल के बाद ही होती है। एज के साथ क्या है, डिस्क में भी चेंजेस आते हैं, आपके मसल्स भी कई दफ़े वीक होते हैं, तो इसलिए ये भी होता है कि कई दफ़े एज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ये जो है ये चीज़ होती है एंड नोटिस नहीं होती, मतलब उसका जो अक्यूट प्रेजेंटेशन है वो नहीं होता। बहुत केसेस में इट इज़ पार्ट ऑफ, मतलब ये प्रोसेस बॉडी का जो डिजेनरेटिव प्रोसेस है ये चीज़ें होती हैं, बट कई लोगों में ये जो है एक काफ़ी दर्दनाक रूप लेता है, एंड वो दर्दनाक रूप जब लेता है तो फिर डेफिनेटली उसका बहुत लग के इलाज करना पड़ता है, बिस्तर पर पड़ जाते हैं जी, लंबे समय तक उनके बाहर उठ नहीं सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते। ये पहले ज़्यादा होता था, आजकल तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस काफ़ी अच्छे अवेलेबल हैं, एंड अगर प्रॉपर गाइडेंस हो, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था 95% मरीज जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर गाइडेंस और केयर और दवाइयों से, बाद में उनको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइजेस करनी पड़ती हैं रेगुलरली, अपना प्रॉपर पोस्चर रखना पड़ता है और कुछ प्रिकॉशंस हम लोग जो बताते हैं वो करने पड़ते हैं ताकि ये प्रॉब्लम रिकरेंट ना हो, बार बार ना हो। एक कॉलर है पुनीत जिन्होंने मध्य प्रदेश से हमें फोन किया है, ये बात करते हैं पुनीत जी से। हेलो। हेलो जी, नमस्कार पुनीत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम जी, जी मेरा बच्चा है लगभग है अभी 3 साल का, तो वो जब 1 साल का था तो उसमें लगातार यानी कई बार यानी 1 साल के दौरान 3-4 बार हड्डियां टूटी, और हड्डियां टूटने की वजह क्या होती थी, कई बार वो बहुत मतलब लगभग 1 फुट से भी गिर जाए या कि खड़े खड़े गिर जाता था तो भी हड्डियां टूट जाती थी, उसकी कोई विशेष वजह हो सकती है कि हड्डियां इतना जल्दी अमूमन बच्चों की टूटती है नहीं? और आपके आपका बच्चा अभी कितना है, बड़ा हो गया, कितनी उम्र है अब? नहीं मेरे बच्चे की थी, मेरा बच्चा जो है अभी 3 साल का है। ठीक है, तो एक तो 5 साल का हो गया है। ये जानना चाहेंगे कि उसकी आंखों का रंग बहुत नीला तो नहीं है, जहाँ पे सफेदी रहती है वहाँ ज्यादा नीला तो नहीं है? जी जी पीला है, आंखों का रंग पीला है बिल्कुल, बराबर नीला, पीला नहीं नीला पूछ रहा हूँ, नीला तो नहीं है सर, पीला पीला दिखता है बस। क्योंकि ऐसा है कि बच्चों में इतनी आसानी से इतनी सारी हड्डियां टूटने का जो मुख्य कारण है वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की बीमारी हम बोलते हैं, जिसमें बच्चों की हड्डियां बड़ी आसानी से टूट जाती हैं और लगातार ऐसा होता है, तो उसमें एक जेनेटिक या अनुवांशिक बीमारी होती है जो कि कई बार हो सकता है कि पेरेंट्स में ना हो, उनमें छुपी हुई हो और बच्चे में आके वो अपने आप को शो करे, और उसमें ज्यादातर जब ये बच्चे 20-22 साल के हो जाते हैं तो ये हड्डी टूटने की टेंडेंसी कम हो जाती है। इस बीमारी में आप जरूर बार बार अगर आपको फ्रैक्चर हो रहा है तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं, उसकी जांच हो सकती है, और अगर उसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है तो आजकल ऐसी दवाइयों के इंजेक्शन दिए जा सकते हैं पीरियोडिकली, जिससे समय समय पर, जिससे कि हड्डियां मजबूत हो जाएं और टूटे नहीं। लेकिन एक बात मैं यहां जरूर बताना चाहूंगा जो एज ए डॉक्टर हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है जिसको बार बार फ्रैक्चर हो रहे हैं और हम एक्सरे करते हैं तो देखते हैं कोई फ्रैक्चर बिल्कुल नया है, कुछ थोड़ा पुराना है, कुछ उससे पुराना है, तो हम लोग चाइल्ड अब्यूज या ऐसा कि उसके बच्चे को कोई पिटाई करता तो नहीं कहा या उसको अब्यूज तो नहीं करता है, फिजिकली मारता तो नहीं है जिससे बच्चे की हड्डियां टूटती है, तो वो ध्यान जरूर रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि बच्चे को डॉक्टर समझता है कि गिर गया, चोट लग गई, लेकिन उसका फिजिकल अब्यूज हो रहा होता है, तो वो बात एज डॉक्टर हम जरूर ध्यान रखते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इन्होंने अपने केस में बताया कि इनका बच्चा अगर गिर भी जाता है, थोड़ी सी ऊंचाई से भी गिर जाता है तो हड्डियां टूट जाती है। इस तरह की बीमारी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जरूर किसी बच्चे के स्पेशलिस्ट को दिखाएं। जी बिल्कुल, तो आप जरूर पुनीत जी डॉक्टर को जरूर दिखाएं अपने बच्चे को, क्योंकि ये एक समस्या भी हो सकती है, और घबराएं ना, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बताया भी कि इलाज बहुत आसान है और उम्र के साथ ये समस्या खत्म भी हो जाती है। डॉक्टर अजय शुक्ला, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि जब हम हड्डियों की बात करते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, तो एक
भय सा रहता है मन में कि ये चीड़ फाड़ होगी, बड़ा ऑपरेशन होगा, काफ़ी खर्चा होगा, और ये भी कहा जाता है कि उम्र के साथ इनकी गुंजाइश भी कम हो जाती है, ऐसा मानते हैं लोग। तो ये बताइए कि क्या ये जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है या फिर कूल्हे की हड्डी के ऑपरेशन है, उम्र के साथ क्या इनमें सक्सेस के चांसेस कम होते हैं या फिर डॉक्टर भी अवॉइड करते हैं? जी, असल में ये ऑपरेशंस जो हैं अधिकतर उम्र के साथ ही ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। यंग एज में इनके इस टाइप के ऑपरेशन के ज़रूरत कम रहती है, थैंक गॉड, क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो जॉइंट्स हैं उनकी लाइफ जो नेचुरल जॉइंट्स हैं उनके कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो बट उम्र के साथ ही इनकी ज़रूरत पड़ती है, और ऐसा नहीं बल्कि क्या है कि जो लोगों की उम्र ज्यादा है, उम्र को लेकर के आशंकित होने की नहीं, कोई नहीं, किसी भी उम्र में हो सकता है। बिकॉज़ होता क्या है कि जिनकी उम्र ज्यादा है वो यूजली बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीते, वो बहुत भागेंगे नहीं, बहुत कूदेंगे नहीं, बहुत अजीबोगरीब एक्टिविटीज नहीं करेंगे, तो उनमें इम्प्लांट्स बल्कि ज्यादा चलते हैं। अच्छा। और जो यंग एज में अगर किसी को जरूरत पड़ती है जॉइंट रिप्लेसमेंट की, तो क्योंकि वो यूजली ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, ज्यादा तेज भागना चाहेगा, दौड़ना भी कभी चाहेगा, तो इसलिए उनमें ये जॉइंट्स जल्दी खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। बिल्कुल, तो यानी घबराएं ना अगर किसी को नहीं, नहीं जब वो जो चीज जरूरी है वो चीज करानी है, घबराने से तो कोई फायदा नहीं, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर एडवाइस के बाद जरूरत है तभी कराएं। बहरहाल इसी के साथ ही हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप अपने फ़ोन बिल्कुल तैयार रखें, हमें कॉल करें, बिल्कुल भी घबराएं ना, आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं और आपके सभी सवालों के तुरंत मिलेंगे जवाब। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहें स्वस्थ किसान। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया, और कैसे करें खेती? देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। और ब्रेक के बाद स्वस्थ किसान में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं रीढ़ की हड्डी की टीबी के बारे में, और साथ ही अन्य जो हड्डियों की समस्याएं होती हैं उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, आप हमें फ़ोन करें और अपनी बातें अब तक पहुँचाएं। डॉक्टर साहब, क्योंकि ब्रेक से पहले हम ऑपरेशन की बात कर रहे थे और आज हमारा विषय भी रीढ़ की हड्डी की टीबी का है, तो रीढ़ की हड्डी की जब समस्या होती है तो इसे बहुत ही संवेदनशील हो जाती है, डॉक्टर भी इसे बहुत गौर से इसे वॉच करते हैं। क्या रीढ़ की हड्डी की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, इसका ऑपरेशन कितना सक्सेसफुल होता है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे रिस्क जो हैं वो भी जुड़े रहते हैं? आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा है। रीढ़ की हड्डी की सर्जरी काफ़ी जटिल होती है, क्योंकि वहाँ पर नर्व्स होती हैं जो डैमेज हो सकती हैं। रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन मुख्यतः हम करते हैं अगर किसी बीमारी में पेन कंट्रोल नहीं हो रहा है, डिफॉर्मिटी हो रही है, या नर्व्स पे प्रेशर है, या स्पाइन अनस्टेबल हो गई है। अनस्टेबल होने से क्या होता है कि जब भी इंसान उठता बैठता है तो तकलीफ बढ़ जाती है, एक्टिविटी करता है तो तकलीफ बढ़ जाती है। पर सौभाग्यवश अभी आजकल जो है ये टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, नए इंस्ट्रूमेंटेशन बड़े अच्छे एक्यूरेट आ चुके हैं, एक्सरे से हम सर्जरी के दौरान, एक्सरे से, सीटी स्कैन से सर्जरी के दौरान देख सकते हैं कि हम सेफली सब ऑपरेशन कर सकते हैं। सेफ्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऑपरेशन की ड्यूरेशन भी छोटी हो गई है, ऑपरेशन जल्दी हो जाता है, माइक्रोस्कोप से बहुत सारी सर्जरी हो सकती है। डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल यही है कि क्या ऐसी तकनीक आ चुकी है कि चीरा ही ना लगाना पड़े और ऑपरेशन हो जाए? चीरा तो लगाए बिना ऑपरेशन तो सिर्फ कुछ रेडियोथेरेपी या गामा नाइफ से हो सकता है, लेकिन ये है कि बहुत छोटा इंसिजन लगा के हो सकता है, जिसको हम मिनिमली इन्वेसिव कहते हैं, वो सर्जरी आ चुकी है। और छोटे छोटे से चीरे से किसी का अगर वर्टिब्रा पिचक गया है या रीढ़ की हड्डी पिचक गई है और डिफॉर्मिटी हो गई है, उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। तो बहुत छोटा सा कट लगा के हो सकता है, बिना कट के अभी पूरा, जैसे हम पहले देखते थे कि पूरा कट लगता था, कुछ केसेस में जरूरी है, लेकिन बहुत से ऑपरेशन अब छोटे से कट से भी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की बात जो है, क्योंकि अब सर्जरी इतनी सेफ हो गई, और जैसे आपने कहा
एज ए डॉक्टर हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि बहुत लंबा चीरा दिया है या छोटा चीरा दिया है, लेकिन रिकवरी फास्ट हो गई है और नेचुरली अगर आप छोटा सा कट देंगे तो पेशेंट को पेन भी कम होगा और वो जल्दी उठ के चलने फिरने लगेगा। तो आजकल जो रिहैबिलिटेशन है या रिकवरी है या जो बीमारी से उबरने का जो सर्जरी के बाद ऑपरेशन के बाद का समय, वो भी काफी कम हो गया और रिजल्ट्स काफी अच्छे हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसमें एक सर्टन फेलियर रेट है, कॉम्प्लिकेशन रेट है, कुछ चीजें दोबारा हो सकती हैं, रिकरेंस हो सकती है, वो सब बात मरीज से की जाती है, रोगी से की जाती है ऑपरेशन से पहले। जी जी डॉक्टर शुक्ला, अब मैं बच्चों पर आना चाहती हूँ। बच्चों की हड्डियों की समस्याएं किस किस तरह की हो सकती हैं और उसके लक्षण क्या होते हैं? बच्चों में हड्डियों में कई बच्चे हैं जिनकी पैदाइशी हड्डियों में डिफेक्ट हो सकता है, विकृत देखते हैं पैर कई बार विकृत होते हैं, जैसे कि उनका पैर ही नहीं है, मतलब एक जगह से जैसे एम्पुटेशन जो होता है वो नेचुरल मतलब पैदाइशी हो रखा है। कईयों के हो सकता है कोई हड्डियाँ मिसिंग हो, कोई किसी का हड्डी जो है बट वो अपने जो जॉइंट है उससे निकली हुई डिसलोकेटेड है, तो ये सब तो पैदाइशी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके बाद जो है बच्चों का जो खाना पीना है, डाइट है, मदर की सेहत, फैमिली बैकग्राउंड, उस सब को लेके जो है उनमें और डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो सकती हैं, हड्डियों में जो है वो डिफॉर्मिटी हो सकती है। कई बच्चे हैं जैसे कि उनका अभी एक पेशेंट था जिसका कि फ़ोन आया था कि उसकी हड्डियाँ टूट जाती जी, हैं जी, बच्चे की टूट तो जाती इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बच्चों के हड्डियों में इन्फेक्शन हो सकता है, टीबी हो सकता है, टीबी किसी भी उम्र में हो सकता है एंड बच्चों में काफ़ी कॉमन है हमारे देश में, तो रीढ़ की हड्डी की जो टीबी है वो बच्चों में भी हो सकती है और बच्चों में बल्कि रीढ़ की हड्डी अगर टीबी से क्षतिग्रस्त है तो उसमें तो और भी ज़्यादा उनको ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज उनमें क्या है कि एक तो डिफॉर्मिटी आगे बढ़ने के चांसेस बहुत हाई हैं और वो डिफॉर्मिटी मतलब इवन दो बीमारी हील हो जाती उसके बाद भी वो बढ़ सकती है एंड उनमें ख़ास तौर से जब वो बाद में अगर नहीं फॉलोअप ठीक से करते हैं तो आगे चल के भी पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वो डिफॉर्मिटी धीरे धीरे बढ़ रही बढ़ है, उनको लग रहा है कि बीमारी ख़त्म हो गई बट अंदर से नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्ट्रेच हो रहा है और लेट पैरालिसिस वगैरह हो सकती है और इन सब प्रॉब्लम से शॉर्टनिंग वगैरह उनका स्टेचर इफेक्ट हो सकता है। जी डॉक्टर मल्होत्रा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये ध्यान रखें कि बच्चों में हड्डियों का कैंसर हो सकता है जो काफ़ी कॉमन है और अक्सर माँ बाप ये समझते हैं कि चोट लगी है उससे कुछ हुआ है, जबकि चोट से उसका कोई संबंध नहीं होता। हर माता पिता को ये लगता है कि हड्डी में कोई तकलीफ हुई है तो कोई चोट लगी है या लग गई होगी, जब उन्होंने देखा नहीं है तभी। दूसरी जो बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा, बच्चे क्योंकि तेज़ी से बढ़ते हैं और उनकी हड्डियाँ बढ़ती हैं तो उनको एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं ग्रोइंग पेन्स। तो बच्चा पूरे दिन खेलता रहता है, मज़े करता है, दोस्तों के साथ घर आता है, रात को सोते समय चिल्लाता है, रोता है और बोलता है मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, और उस समय जो है माता पिता परेशान हो जाते हैं, जाँच में कुछ नहीं निकलता है। तो ये समझ लें कि एक नॉर्मल फिनोमिनन है, डॉक्टर को दिखा ले, तसल्ली कर ले, लेकिन ये बात का ध्यान रखें कि ग्रोथ के साथ में ग्रोइंग पेन्स आते हैं, जो कि मैं क्या समझता हूँ जिंदगी में हर जगह ही एप्लीकेबल है। जी जी अखिलेश एक दर्शक उत्तर प्रदेश से हमारे साथ, आइए बात करते हैं। जी अखिलेश जी बताइए क्या समस्या है। हेलो अखिलेश जी बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैम, मेरे पिताजी करीब 2 वर्ष पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, वो पैरालाइज्ड हो गए उसी समय से। अच्छा। और उनके कमर के नीचे से पूरा मतलब कि मैम एक्सीडेंट के पहले तो मैम वो मोशन था और सेंस वगैरह सब था, लेकिन ऑपरेशन करवाया गया उसके बाद से बिल्कुल ही चला गया। आज 2 वर्ष हो गए हैं लेकिन पैर में केवल झंझनाहट और वो अभी जी गर्मी ये जलन और झंझनाहट अभी तक केवल है। जी जी असल में अगर उनका ऑपरेशन 2 साल पहले कह रहे हो गया तो ऑपरेशन हो गया, अभी भी पैरालाइज्ड हैं तो अब तो चांसेस रिकवरी के बहुत कम है, मतलब कोई अगर मैजिक हो जाए, मिराकल हो जाए तो बात अलग है, बट उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आजकल जो है वो व्हीलचेयर्स बहुत अच्छे आते हैं और जो है डिपेंड करेगा उनको एक दफ़े अगर असेस करा लें कि एग्जैक्टली कितनी वीकनेस है टांगों में, हो सकता है कि कुछ
सपोर्ट्स के साथ, कुछ ब्रेसेस के साथ, क्रचेस वगैरह या वॉकर के साथ वो इंडिपेंडेंटली चल भी पाए, बट अगर ज़्यादा वीकनेस है दोनों टांगों में तो फिर व्हीलचेयर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो मोटराइज व्हीलचेयर्स और काफ़ी अच्छी किस्म की व्हीलचेयर्स आती हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिसेबिलिटी नहीं रह जाती। जी डॉक्टर मल्होत्रा, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये रीढ़ की हड्डी डैमेज होने से पैरालिसिस हो जाना या फालिज हो जाना जीवन का अंत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, रिहैबिलिटेशन बड़ी अच्छी अवेलेबल है और थोड़ी कुछ टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है। कुछ समय पहले हमने मिशिगन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के साथ में एक रेसिप्रोकेटिंग गेट ऑर्थोसिस बनाया था जो कि कमर्शियली 4 लाख रुपए का अवेलेबल था और 25,000 से 30,000 रुपए में यहाँ पे उसको बना पाए थे हम, तो उससे चलने में मदद मिलती है। इसराइल में एक कंपनी है जो रीवॉक बनाती है जो कि एक तरह से पेशेंट को पूरी तरह से चलने में सक्षम कर देती है, कमर के नीचे पैरालिसिस होता है तो भी। तो ध्यान ये रखें कि आने वाले समय में हो सकता है ऐसी तकनीकी विकास हो जाए कि ऐसी अच्छी अच्छी ऐसी अप्लायंसेज ऐसे लोगों के लिए आ जाएं, तो अभी उनकी रिहैबिलिटेशन पे ध्यान दें, उन्हें बेडसोर नहीं होने दें, छाती में इन्फेक्शन नहीं होने दें, टांगों में क्लॉट नहीं होने दें, उनको यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो, पानी खूब अच्छे से पिलाते रहे, टर्न करते रहे, फेफड़े की एक्सरसाइज करते रहे, मसल्स की एक्सरसाइज करें और उनको व्हीलचेयर पे जैसे डॉक्टर ने बोला घुमाएं, और इवन रिक्रिएशन भी, आजकल ग्रुप्स हैं, लोग गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, ओलंपिक्स होते हैं इनके, तो ऐसे हताश होने की बात नहीं है, जीवन का अंत नहीं है, जरूर उसमें रिहैबिलिटेशन पे ध्यान। बिल्कुल, क्योंकि अभी कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है, तो अंत में मैं डॉक्टर शुक्ला आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को जो हमें देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि अपना खाना पीना ठीक रखें और अपने हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज़ अगर बॉडी हेल्दी होगी तो वो कई सारे काम अपने डेली के कर सकते हैं और दूसरों के भी काम आते रहेंगे। जी डॉक्टर मल्होत्रा, आप क्या कहेंगे, ये लाइफस्टाइल जो बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि खेतों में भी अब मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है, मशीनें इस्तेमाल हो रही है। ठीक, लेकिन जो वो नियम है वो यही है, बचाव में ही सुरक्षा है, प्रिवेंशन है, अपनी हड्डियां मजबूत रखें, जीवन शैली स्वस्थ रखें, चले फिरे, व्यायाम करें, अच्छी डाइट खाएं, गांव में रहते हैं, दूध पिए, आप लोगों को तो शुद्ध दूध मिलता है पीने को। बिल्कुल, और हम सुनते भी गांव में बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारी हड्डियों में भी बहुत दम है, तो दम बरकरार रहे, तो उसी से सीख ले, अपने बुजुर्गों से सीख ले और उन्हीं को फॉलो करें। चलिए, तो आपकी हड्डियों में जान बाकी रहे, इसी उम्मीद के साथ हम आज आपसे इजाजत लेंगे। समय खत्म हो रहा है और हम अपने अंतिम पड़ाव में बिल्कुल पहुंच चुके हैं, और मैं अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों की कॉल्स का आपने जवाब दिया और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा की, और हम आशा करते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा और वो भी इससे लाभान्वित होंगे। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें लिख सकते हैं, अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, किसी विषय को आप चाहते हैं कि हम कार्यक्रम में शामिल करें तो वो सुझाव भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें इसके लिए, पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, 2 मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल पता भी बहुत आसान है, swasthkisan@gmail.com। तो इसी के साथ ही फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता देते हैं कि सोमवार को हेलो किसान का हमारा विषय क्या होगा। 6 से 7 बजे हेलो किसान में हमारा विषय होगा बागवानी योजनाएं। तो अपने प्रश्नों के साथ आप तैयार रखें और तैयार रहें, सोमवार को होगी आपसे मुलाकात 6 से 7 बजे के दौरान हेलो किसान में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।